क्या आप टीनेजर हैं या फिर 30+? आपके फेस में बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है या आपकी स्किन काफ़ी डल हो गई है या फिर आपको एक्ने की भी प्रॉब्लम है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक इजी सी होम रेमेडी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसे कैसे रेडी करते हैं। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक साफ बाउल और अब मैंने इसमें एक चम्मच के करीब ली है मुल्तानी मिट्टी। इसे मैंने पहले से भिगा रखा था। फ्रेंड्स, अगर आपको मुल्तानी मिट्टी नहीं सूट करती है तो आप इसकी जगह चंदन पाउडर या फिर बेसन भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/2 टेबल स्पून गुलाब जल, रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप कुकुम्बर का जूस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर टमाटो जूस भी। सो ये तो हमारे हो गए 2 इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इसमें 3rd इंग्रेडिएंट और लास्ट इंग्रेडिएंट जो ऐड करने जा रही हूँ वो है विटामिन सी का फेस सीरम। तो यहाँ मैंने विटामिन सी फेस सीरम यूज़ किया है पिलग्रीम का। अगर आपके पास फेस सीरम नहीं है तो आप यहाँ विटामिन ई का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल भी नहीं है अवेलेबल तो आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और बस अब हमें इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये बन गया है हमारा फेस पैक। हमारा फेस पैक रेडी है। इसे फेस पर कैसे अप्लाई करना है चलिए आइए ये भी देख लेते हैं। सो इस DIY फेस पैक को लगाने से पहले आपको अपना फेस बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। यहाँ मैंने अपना फेस बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है। और ये जो DIY पैक है इसे मैं अब अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, किसी भी फेस पैक या फिर किसी भी DIY को अपने फेस पर लगाने से पहले हमें अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए ताकि उसके रिजल्ट्स हमें अच्छे से मिल सकें। फ्रेंड्स, बहुत से लोग बोलते हैं कि मुल्तानी मिट्टी फेस पर ड्राइनेस लाती है, तो उसकी वजह से मैंने इसमें ऐड किया है फेस सीरम। तो वो ऑयल बेस है। और या फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके पास सीरम ना हो तो आप इसमें विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं लाएगा, आपकी स्किन में शाइन लाएगा। और मुल्तानी मिट्टी हमारी जो सन टैन हो जाता है या फिर हम धूप से आते हैं हमारी स्किन में काफ़ी रैश हो जाता है, तो उस टाइम पर हम इस तरीके का फेस पैक लगाएंगे मुल्तानी मिट्टी का, तो हमारे फेस को काफ़ी रिफ्रेश फील होगा, काफ़ी कूल होगा, हमारी स्किन नॉर्मल होगी और ये फेस पैक हमारे एक्ने जैसी प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करेगा। फ्रेंड्स, इस तरीके का DIY फेस पैक सीरम्स मैं अपने चैनल पर पोस्ट करती रहती हूँ और मैं इन्हें खुद भी ट्राई करती रहती हूँ। इनके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं, तभी मैं ये सब जो DIY रेसिपीज़ हैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो प्लीज़ इनको एक बार ट्राई करके देखिए। इनके रिजल्ट्स आपको कैसे मिले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैंने अपने पूरे फेस पर अपना पैक जो है अप्लाई कर लिया है। 7 से 8 मिनट के बीच में ये हमारा अच्छे से सूख जाएगा। इसको सूखने के बाद ही आप इसको वॉश करिए और फिर देखिए आपकी स्किन पर कितनी अच्छी शाइन आएगा, आपको कितना अच्छा रिफ्रेश फील होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज का DIY फेस पैक होम रेमेडी। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।